वो किताब लिखी है एक शख्स ने जिसका नाम है कृष्ण लाल। कृष्ण लाल चकवाल के इलाके का एक हिंदू था पाकिस्तान बनने से पहले, और कृष्ण लाल अपनी किताब में लिखते हैं कि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बात ये पूछना चाह रही हूँ कि जहाँ इतने झूठे कताब नबी के तौर पर दावेदार आ जाते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई इमाम मेहदी का नाम लेकर आता है तो हम ये उसको जजमेंट कैसे करेंगे, हम कैसे जज करें कि इमाम मेहदी है, कि माना की निशानियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन जिस तरह से अभी मोहम्मद कासिम है जो कि दावा, वो खैर खुद से दावा तो उन्होंने नहीं किया, बट ये कि उनके बारे में आपकी तरफ से ये कहा गया कि मे भी ये हो सकता है, तो इस तरह से तो अगर कोई भी ख्वाब देखे और कोई भी, जैसे आपने भी फरमाया कि मैंने भी जो है वो मोहम्मद सल्लम की को ख्वाब में देखा और तस्दीक हुई, तो इस तरह से अगर कोई और बात करे तो चीज़ काफ़ी है। जी बहुत अच्छा सवाल है, और मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करता हूँ कि खुल के सवाल करना चाहिए जो जहन में आए बात बजाय कंफ्यूज होने के। सो जज़ाकल्ला नूरीन बहन, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये है कि अल्फाज को अच्छे अंदा जो सवाल है उसको, उसके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए जैसे आपने किए हैं माशाल्लाह, लेकिन यह है कि सवाल करना चाहिए जो जहन में बात हो। अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है नौरीन आपका, कि मैं रिपीट भी कर देता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, कि नौरीन ने सवाल ये किया है कि नबूवत के भी झूठे दावेदार बहुत सारे आए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी बल्कि मिलती है कि दज्जाल से पहले 30 झूठे कज़ाब आएंगे और उनमें से हर कोई जो है वो नबूवत का दावा करेगा। तो इस तरह झूठे कज़ाब आते रहे हैं, मुसैलमा कज़ाब था, फिर हमारे इस इलाके में ग़ुलाम अहमद कादियानी मलून कज़ाब था कि जिसने नबूवत का दावा किया, और इस तरह के लोग आते रहते हैं, बल्कि मेहदी के दावा करने वाले तो बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जब सच्चे मेहदी आएंगे कि वो कौन होंगे? तो इसमें देखें, मैं पहले भी कुछ जगहों पे कह चुका हूँ, मैं फिर क्लियर कर दूँ कि इमामुल महदी को हम नहीं पहचान सकते, ये बात आप समझ लें, इम्पॉसिबल। इमामुल महदी को निशानियों से पहचानना इम्पॉसिबल है। ऊंची नाक तो किसी की भी हो सकती है, चौड़ी पेशानी तो किसी की भी हो सकती है, जैसे आपने कहा बिल्कुल सही कहा, ख्वाब तो किसी को भी आ सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि ये शख्स इमामुल महदी होंगे? ये शख्स इमामुल महदी हैं ये तो पता चल जाएगा, क्यों उस वक्त बैदा में ज़मीन धसा दी जाएगी, आसमान से आवाज़ आएगी, ये सारे मामलात तो होंगे, फिर तो क्लियर हो जाएगा कि यही इमामुल महदी हैं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये इमामुल महदी होंगे ताकि हम उनके बेहतरीन अव्वलीन साथियों में शामिल हो सकें? ये इम्पॉसिबल है। क्यों? इसलिए कि जैसे मैंने कहा कि ऊंची नाक किसी की भी हो सकती है, चौड़ी पेशानी किसी की भी हो सकती है, ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत आम इंसान को भी हो सकती है, अल्लाह ताला ने भी कह दिया कि कलाम कर सकता है अपने बंदे से, लेकिन सूरत शूरा की अभी हमने आयत नंबर 51 आपको सुनाई है कि अल्लाह ताला किसी बंदे से पर्दे के पीछे से, हिजाब के पीछे से कलाम भी फरमा सकता है। तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि कोई स्पेसिफिक शख्स इमाम मेहदी है? सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आप नॉकआउट स्ट्रेटजी लगाएं। कुछ चीज़ें होंगी तो वो शख्स इमाम मेहदी नहीं होगा। सबसे पहली बात कि वो शख्स ये दावा करे कि मैं इमाम मेहदी हूँ तो नॉकआउट है। जिसने ये दावा कर दिया कि मैं इमाम मेहदी हूँ वो इमाम मेहदी नहीं है। क्यों? हदीस में आया है कि जब मदीना में वो शख्स होगा तो लोग उसके पास जाएंगे और कहेंगे कि यकीनन आप इमाम महदी हैं, आप हम आपके हाथ पे बैत करना चाहते हैं। तो वो बल्कि किताबुल फितन की तो मैं अभी रवायत पढ़ रहा था, तो उसमें तो यहाँ तक लिखा है कि वो कह देंगे कि मैं तो अंसारी हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं अहले बैत में से, और इस तरह से, यानी वो ऐसी बात कर देंगे कि लोग बिल्कुल उनको छोड़ दें। वो इस कदर इस चीज़ से रिलक्टेंट होंगे, उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे।
और फिर वो मक्का में जाएंगे, वहाँ पे भी ऐसे ही होगा, फिर मदीना आएंगे, फिर ऐसे ही होगा, फिर वापस मक्का में जाएंगे, फिर वहाँ पे ज़बरदस्ती उनके हाथ पे बैत की जाएगी। तो सबसे पहले नॉकआउट के तहत तो ये है कि जो दावा कर दे वो नहीं है। अच्छा, अब बात ये आ जाती है कि दावा तो फिर बहुत सारे लोग कहते हैं हम नहीं है, मैं भी कहता हूँ नहीं है, मंसूर भी कहते हैं नहीं है, किसी भी से भी पूछें तो वो यही कहेगा कि मैं इमाम मेहदी नहीं हूँ ऑब्वियसली, और है भी नहीं। अब क्या हो, देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो लोग ईमान लाए वो क्या किन चीज़ों से लाए? निशानियां तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत को बताई गई, वो सॉरी अहले किताब को बताई गई थी। निशानियां तो अहले मक्का को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पता ही नहीं थी। वो तो अहले किताब थे जिन्हें पता था कि खजूरों की ज़मीन में, खजूरों की सरजमीन में एक शख्स आएंगे और वो उनकी ये निशानियाँ होंगी और उनको उनके उनकी मोहर नबूवत होगी और ये सारी बातें होंगी। तो वो तो अहले किताब को पता थी, अहले मक्का को तो पता ही नहीं थी। फिर कैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ले आए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ईमान ले आए, हज़रत मसअब बिन उमैर ईमान ले आए, उमर फ़ारूक़ ईमान ले आए, अली इब्ने तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ये सब कैसे ईमान लाए? ये बात मुझे भी समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर अल्लाह के फजल से एक वाकया हुआ, उससे ये बात मुझे समझ आ गई। हमारे घर में किताब पड़ी हुई है, उसका नाम है मिनज़ुलुमात इलन नूर। वो किताब लिखी है एक शख्स ने जिसका नाम है कृष्ण लाल। कृष्ण लाल चकवाल के इलाके का एक हिंदू था पाकिस्तान बनने से पहले, और कृष्ण लाल अपनी किताब में लिखते हैं कि वो बचपन में स्कूल जब जाते आते थे तो उनके साथ मुसलमान बच्चे भी जाते आते थे, तो बहस होती थी बच्चों में, कोई कहता था कि हिंदू मत ठीक है, कोई कहता था मुसलमान जो मुसलमानों का मज़हब है वो ठीक है। तो एक दिन एक बच्चे ने, कृष्ण लाल कहता है कि मुझे कह दिया कि तुम ऐसा करो कि तुम ना एक काम करना, तुम ना मेरे साथ चलना एक मस्जिद के इमाम साहब हैं उनके पास, उनसे पूछते हैं किसका मज़हब सही है। तो कृष्ण लाल ने कहा कि चलो चले जाते हैं, इसमें क्या है। तो वो स्कूल का बच्चा था, वो कृष्ण लाल चले गए किसी के पास। तो अब वो जो भी साहब थे उनके जहन में बात थी, वो समझ गए कि कृष्ण लाल वाकई एक्सप्लोर करना चाह रहा है कि वाकई इस्लाम सच्चा है या हिंदुओं का मज़हब सच्चा है। तो उन्होंने ऐसे कहा कि तुम ऐसे करना कि रात को सोने से पहले ना तुम रोज़ दुआ करना कि ऐ भगवान अगर तेरा दीन सच्चा है तो मुझे समझ अता कर दे, और ऐ अल्लाह अगर तेरा दीन सच्चा है तो तू मुझे बता दे कि तेरा दीन सच्चा है। वो कृष्ण लाल ऐसे ही करने लग गया। कृष्ण लाल करता रहा करता रहा करता रहा। कृष्ण लाल ने अपनी किताब में लिखा है कि मुझे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई और उन्होंने मुझे अपने हाथ पर इस्लाम कबूल करवाया। और यही नहीं, कृष्ण लाल फिर कहता है कि मैं गया वापस उन्हीं साहब के पास, उन्हें बताया कि मेरे साथ ये मामला हुआ है, तो उन साहब ने ये नहीं कहा कि अब तुम इस्लाम कबूल कर लो, उन साहब ने कहा अच्छा तुम ये मामला अभी जारी रखो, देखते हैं अभी। वो कृष्ण लाल कहता है कि मैं फिर ऐसे ही करता रहा ऐसे ही करता रहा, हत्ता कि मुझे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोबारा ज़ियारत हुई। अब वो कृष्ण लाल जो है वो भागता हुआ, और वो जब भी उसको मौका मिला वो दोबारा उन साहब के पास गया। अब उन साहब ने कृष्ण लाल को इस्लाम कबूल करवाया और उनका इस्लामी नाम रखा गया गाज़ी अहमद रहमतुल्लाह अलैह। और बचपन में मैं छोटा था तो ये हमारी मस्जिद में आए भी थे, उन्होंने जुमा भी पढ़ाया था, गाज़ी अहमद साहब मैं इनसे मिला हुआ भी हूँ। और ये वो साहब हैं कि जिनको इस तरह से जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। अब मुझे नहीं मालूम कि वो हैं या नहीं, अगर हैं तो अल्लाह ताला उनको उनके दुनिया व आखरत में कामयाबी अता फरमाए, और अगर इस दुनिया से पर्दा फरमा गए फौत हो गए इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो मैं तो यही कहता हूँ, देखें अगर तो कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होता हमारा, या हमें कोई इस चीज़ में कोई हमने मटेरियल बेनिफिट लेना होता, तो हम आपको ये साबित करने की कोशिश करते कि हम सच्चे हैं। भाई हम बिल्कुल नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि मैं खासकर ये कहता हूँ कि आप अल्लाह से मांगें, अल्लाह से दुआ करें कि अगर ये लोग सच्चे हैं। मैं अगर मेरे साथ मैं देखता हूँ कॉल पे एक है साद मुनीर, मुनीर नहीं है अभी, साद मुनीर ये यूके से हैं, इनकी अभी मुझे कॉल आई है, मेरे ख्याल में 8-10 दिन हुए होंगे या 15 दिन हो गए होंगे,
आउट ऑफ नो वेयर उनकी मुझे कॉल आई है, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी यूट्यूब पे देता हूँ कमेंट्स में। उन्होंने कहा कि अवैस भाई आपकी वीडियोस मेरे नज़र से गुजरती थी तो मुझे लगता था कि आप लोग ये पता नहीं किस फितने में पड़े हुए हैं, क्या चक्कर है, और वो अवॉइड करने की कोशिश करते थे। एक साल की ब्रेक रही, फिर अचानक दोबारा वो कहते हैं कि हमारी वीडियोस उनके सामने आने लग गई। तो दिस टाइम उन्हें बिल्कुल दिल ने गवाही दी कि ये जो लोग कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं, मोहम्मद कासिम और अवैस नसीर की जो बातें हैं वो सही हैं। तो मैं ये नहीं कहता, देखिए अगर आप अक्ल के घोड़े दौड़ाएंगे, दलील के घोड़े दौड़ाएंगे, तो फिर आपको हक नहीं मिलेगा। जिस तरह अहले मक्का को निशानियां नहीं थी पता, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिल खोल दिए थे। जिस तरह गाजी अहमद को इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता था, उसने काफिर होते हुए अल्लाह से मांगा तो अल्लाह ताला ने उसे सच्चा दीन दिखा दिया। हम तो मुसलमान हैं, आए हम सब अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह अगर ये अवैस झूठ बोल रहा है और ये मोहम्मद कासिम के ख्वाब झूठे हैं तो हमें इस फितने से बचा, बल्कि ये भी दुआ करें कि इस फितने को नेस्तो नाबूद कर दे। लेकिन अगर ये सच बोल रहे हैं, अवैस सच बोल रहा है और मोहम्मद कासिम के ख्वाब सच्चे हैं, तो या अल्लाह हमारे दिल को ये बात समझा दे या हमें ख्वाब में बता दे, जैसे या अल्लाह तुझे मंजूर है, हमें ये बात समझ आ जाए कि क्या सच है क्या गलत है। अगर तो ये सच्चे हैं तो फिर इनका साथ देना बनता है, और अगर ये झूठे हैं तो फिर इनकी मुखालफत बनती है। और मैं आप सबको कह रहा हूँ कि अगर हम झूठे हैं तो आपका काम बनता है कि हमें रोकें, लेकिन ऐसे नहीं, अपने अक्ल के घोड़े आपने नहीं दौड़ाने, वरना शैतान किसी को भी गुमराह कर सकता है। एक साहब को मैंने कहा कि आप ऐसे करें कि आप ना इस्तखारा करें कि ये साहब के ये अवैस जो कह रहा है ये सच है कि नहीं। अब वो साहब अब अगले रोज़ मुझे मस्जिद में मिले तो वो मुझे कतराएं, बड़ी मुश्किल से मैं जाके उनसे मिला तो उन्होंने बड़ी मोटी मोटी बात की। उन्होंने कहा कि मैंने ना किया था वो सब ना, तो वो बस ना मुझे बहुत डरावना ख्वाब आया, अब इन लोगों से बचना है, तो बहुत बहुत मैं कांप के रह गया था, बस वो इस तरह अवॉइड करके मुझे चले गए। मैंने उनसे जाते जाते पूछा कि ये बताएं कि आपने इस्तखारा ही किया था या कुछ और किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे एक बुज़ुर्गों ने वजीफ़ा बताया था वो किया था मैंने। मैंने कहा मेरे भाई देखें, जो चीज़ मसनून है वो करें, अब वसीफ़े की गारंटी तो नहीं है ना कि उसके अंदर शैतान जो है वो उसके बाद आपके ऊपर असर नहीं कर सकता या कुछ ऐसी बात। तो आप मसनून काम करें, अल्लाह से दुआ करें एक तो, और दूसरा ये है कि आप इस्तखारा कर लें अगर आप करना चाहते हैं तो फिर अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम सबको आपको हक दिखाएगा। तो बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि बस बिल्कुल हमें ही फॉलो करें, अल्लाह ताला से हक मांगें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें हक दिखाएगा। और सॉरी आपका आंसर काफ़ी लंबा हो गया नौरीन, होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा।